हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर प्रभास के एक्टिंग डेब्यू से लेकर अब तक के डिफरेंट लुक्स, फिल्म्स एंड रोल्स, और जानेंगे उनकी जर्नी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। एवोल्यूशन ऑफ पैन इंडिया स्टार प्रभास। ईयर 2002, फिल्म ईश्वर। प्रभास ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2002 में अपनी पहली तेलुगु फिल्म ईश्वर में की थी। ईश्वर इस फिल्म में उनकी को स्टार थी श्रीदेवी विजय कुमार। और 7 साल बाद ईयर 2009 में इस फिल्म की हिंदी डबिंग आई थी एज हमला द वॉर। तो किस बात पे फुदक रहा है? मेरे पास कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ऊपर से एमएलए की पदवी भी है। तेरे पास क्या है? आपकी बेटी है। बट प्रभास की इस पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कलेक्शन की थी। ईयर 2003 में आई प्रभास की दूसरी फिल्म राघवेंद्र भी कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप हो गई। और आपको शायद ये पता ना हो कि 2006 में आई बॉलीवुड फिल्म रॉकी द रेबल इस मूवी का ऑफिशियल रीमेक है। तो हाँ, साउथ मूवीज का रीमेक बॉलीवुड में बहुत पहले से बनाया जा रहा है। ईयर 2004 में प्रभास की दो फिल्में रिलीज हुई और पहली थी वर्षम, जो प्रभास की पहली सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार थी त्रिशा कृष्णन। और इस क्लिप से मिलती जुलती ये क्लिप देखो। मुझसे शर्मा गए क्या? नखे करना बंद करो। 2016 में आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी इसी तेलुगु फिल्म का ही रीमेक है। वर्षम के लिए प्रभास को बेस्ट यंग परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला था। वर्षम की सक्सेस के बाद 2004 में आई प्रभास की दूसरी फिल्म अडवी रामुडू बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार थी आरती अग्रवाल, जिनकी अनफॉर्चुनेटली ईयर 2015 में लाइपोसक्शन सर्जरी के 6 हफ्ते बाद कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। ईयर 2005 में प्रभास की दो फिल्में रिलीज हुई और पहली थी चक्रम, जिसे कृष्णा वामसी ने डायरेक्ट किया था, जो ईयर 1995 से मूवीज डायरेक्ट करते आ रहे हैं। इस मूवी में प्रभास की को स्टार थी आसिन। बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट लिरिसिस्ट के 2 नंदी अवार्ड जीतने वाली ये मूवी कमर्शियली फ्लॉप रही थी। बट 2005 की प्रभास की दूसरी फिल्म छत्रपति, जिसे SS राजामौली ने डायरेक्ट किया था, ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार थी श्रिया सरन। रेफ्यूजी नाम से इस फिल्म का एक बंगाली रीमेक बना और 2013 में कन्नड़ रीमेक, एंड इसका बॉलीवुड रीमेक भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 में इसके बॉलीवुड रीमेक की प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। ईयर 2006 में प्रभास की फिल्म पूर्णिमा रिलीज हुई, जिसे प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस त्रिशा का टाइटुलर रोल था, बट बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और फ्लॉप हो गई। ईयर 2007 में आई प्रभास की फिल्म योगी, जो 2005 की ब्लॉकबस्टर हिट कन्नड़ फिल्म जोगी का एक रीमेक है। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार थी नयनतारा, जो साल 2023 में SRK की फिल्म जवान में अपना हिंदी डेब्यू करने वाली हैं। बट प्रभास की ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और एक सेमी हिट रही। लेट 2007 में प्रभास की दूसरी फिल्म मुन्ना रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने इलियाना डिक्रूज के साथ काम किया, बट उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। में आई प्रभास की फिल्म बुजी गाड़ू, जिसमें उनके साथ लीड रोल में थी त्रिशा कृष्णन। इस फिल्म को पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था, जो 2022 में आई फिल्म लाइगर के भी डायरेक्टर रहे हैं। और प्रभास की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में बिलो एवरेज रही।
ईयर 2009 में प्रभास की दो फिल्में रिलीज हुई और पहली थी बिल्ला, जिसमें प्रभास ने डबल रोल किया था। Hold. Don't give me orders. I know what to do. इस फिल्म में प्रभास की को स्टार्स थी अनुष्का शेट्टी, हंसिका मोतवानी और नमिता वंकवाल। ये फिल्म एक सेमी हिट रही थी। 2009 में आई प्रभास की दूसरी फिल्म एक निरंजन, जिसमें प्रभास के को स्टार्स थे सोनू सूद और कंगना रनौत। इस फिल्म को भी लाइगर के डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म भी बिलो एवरेज रही थी। ईयर 2010, इस साल प्रभास की एक सुपर हिट फिल्म रिलीज हुई डार्लिंग। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें प्रभास की को स्टार थी काजल अग्रवाल। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म 30 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही थी। इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन सबसे बढ़कर हम YouTube पे अवेलेबल है। साथ ही इस फिल्म के लिए प्रभास को क्रिटिक्स चॉइस एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ईयर 2011, इस साल भी प्रभास की काजल अग्रवाल और तापसी पन्नू के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी रिलीज हुई मिस्टर परफेक्ट, और ये भी सुपर हिट रही। इस मूवी को बेस्ट तेलुगु फैमिली एंटरटेनर फॉर द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म का टाइटल तेलुगु फिल्म आर्या 2 के एक सॉन्ग मिस्टर परफेक्ट पे बेस्ड है। ये मूवी भी हिंदी डबिंग के साथ नंबर 1 मिस्टर परफेक्ट टाइटल से YouTube पे अवेलेबल है। साल 2012 में प्रभास की फिल्म रेबल रिलीज हुई, जिसे राघव लॉरेंस ने डायरेक्ट किया था। నేను యముడ రూపంలో వచ్చిన రెబల్। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार्स थी तमन्ना भाटिया एंड दीक्षा सेठ, बट ये फिल्म ओवर बजट होने की वजह से कमर्शियली फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को एक रिटन एग्रीमेंट दिया था कि वो ये मूवी 22.5 करोड़ में बना देंगे, बट ये बजट इंक्रीज होकर 40 करोड़ तक पहुंच गया, जिस वजह से राघव लॉरेंस को ओवर बजट के लिए 2.5 करोड़ का फाइन भी देना पड़ा। एंड इसी साल 2022 में 15 अक्टूबर को ये मूवी दोबारा रिलीज हो रही है। साथ ही इस मूवी की हिंदी डबिंग भी YouTube पे अवेलेबल है, जिस पे 114 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ईयर 2013 में आई प्रभास की फिल्म मिर्ची, और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 80 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। वीलेते प्रेमिदं ड्यूड पोइदे उंदे महा आयते तिरिगी प्रेमिस्तारु। इस फिल्म में प्रभास की को स्टार थी ऋचा गंगोपाध्याय और अनुष्का शेट्टी। 2014 में प्रभास ने एक बॉलीवुड फिल्म एक्शन जैक्शन में अपना कैमियो भी किया था। ईयर 2015, बाहुबली द बिगनिंग। इस मूवी के डायरेक्टर SS राजामौली ने अपनी पावरफुल डायरेक्शन से पूरी दुनिया में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन कर दिया। बाहुबली फ्रेंचाइजी के लिए SS राजामौली को 9 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें से 7 अवार्ड्स तो बेस्ट डायरेक्टर के ही थे। अपनी रिलीज के पहले दिन ही इस फिल्म ने 75 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन की थी और 180 करोड़ के बजट में बनकर 650 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिर 2 साल बाद ईयर 2017 में इस फिल्म का सेकेंड पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुआ, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 1810 करोड़ की कलेक्शन करके इंडिया की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बन गई। और आज 5 साल बाद भी खुद SS राजामौली भी अपनी इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। यही है इस फिल्म की पावर कि हम इस वीडियो के मेन टॉपिक प्रभास के बारे में ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। इवन अपनी सक्सेसफुल मूवी के बाद प्रभास भी काफी चूजी हो गए और पिछले 5 सालों में उनकी सिर्फ 2 ही मूवीज रिलीज हुई। ईयर 2019 में प्रभास की एक और बिग बजट फिल्म साहो रिलीज हुई, जिसमें उनकी को स्टार थी श्रद्धा कपूर। इस फिल्म के साथ प्रभास ने ऑफिशियली अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। रोमांस में और श्रद्धा कपूर ने अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो काफी ज्यादा थी, बट ड्यू टू हाई बजट ये कमर्शियली एवरेज फिल्म रही। 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 439 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की थी। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। ईयर 2022, इस साल प्रभास की एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म
राधे श्याम रिलीज हुई, जिसमें उनकी को स्टार थी पूजा हेगड़े। अनफॉर्चुनेटली 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 214 करोड़ की कलेक्शन की और ये फिल्म कमर्शियली फ्लॉप हो गई। रीजन था इस मूवी का बैड स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, नरेशन और डायलॉग्स। तक क्या होगा सब पढ़ लिया मैंने। इसी के साथ साल 2023 में आने वाली प्रभास की अगली फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया है और अपनी रिलीज के पहले 24 घंटे में ही इस पे 69 मिलियन व्यूज आए हैं। बट जब से ये टीजर आया है तब से इसके CGI और VFX की क्वालिटी के लिए इसे काफी ट्रोल किया जा रहा है। ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। 2023 में प्रभास की दूसरी मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म सलार रिलीज होगी। इस फिल्म को KGF चैप्टर 1 और 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। सलार में प्रभास के को स्टार्स हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हासन। इस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा है कि इसके यूट्यूब पे फैन मेड ट्रेलर पर ही 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये मूवी 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। आफ्टर सलार प्रभास की एक और हाई बजट साइंस फिक्शन मूवी प्रोजेक्ट के आने वाली है। ये इंडिया की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है जो 500 करोड़ के बजट में बनेगी। इस फिल्म में प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, जो इस फिल्म के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने वाली हैं। ये फिल्म 6 languages में रिलीज होगी, जिसे या तो 18 अक्टूबर 2023 में रिलीज किया जाएगा और या जनवरी 2024 में। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किए बिना मत जाना, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एवोल्यूशन किस स्टार का देखना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इमरान हाशमी का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और तारा सुतारिया के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।